गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों के कारण ही आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और जिसका श्रेय सिर्फ आप ही को जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो डियर फ्रेंड्स, एज यूजुअल जैसे कि पर डे में इस समय आपको टेंस बता रहा हूँ और टेंस में जो होता है प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीन टेंस बताने के बाद जो आज चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए चाहे डियर फ्रेंड्स, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सभी टेंसों में समय को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ वीक डे, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले। तो कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, ऐसे कोई भी दिन के नाम हो तो हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है माह के नाम के पहले, माह जनवरी, माह के नाम के पहले। तो माह का नाम कोई भी हो सकता है, उसके पहले सिंस लगा देंगे, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी हो सकता है। तो हम सिंस का यूज मंथ के नाम के पहले करते हैं। इसी प्रकार जो है थर्ड जो होता है वर्ष के नाम के पहले, जैसे वर्ष के नाम के पहले भी हम सिंस, वर्ष के नाम के पहले, नाम के पहले, जैसे सिंस 1990, सिंस 1990, सिंस 2005, इस प्रकार से कोई भी ईयर दिया हो तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। फोर्थ है दिन के, दिन का हिस्सा, दिन का हिस्सा यानी कि पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे जो कोई भी होता है उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस, सिंस सनराइज, सिंस सनराइज, सिंस नाइट, सिंस नाइट, सिंस नाइट, इस प्रकार से पार्ट दिन का जो भी हिस्सा होता है उसके पहले हम करते हैं। तो सिंस सनराइज, सिंस नाइट, इस प्रकार से। नेक्स्ट होता है सीजन, सीजन यानी कि ऋतुओं के नाम के पहले, सीजन यानी कि ऋतुओं के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले, नाम के पहले। तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, जैसे सिंस विंटर, सिंस विंटर, सिंस सिंस ऑटम, इन दिस वे वी कैन यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ सीजन, सीजन के नाम के पहले भी हम इस प्रकार से सिंस का यूज करते हैं, सिंस विंटर, सिंस ऑटम, सिंस ऑटम, इस प्रकार से। दूसरा नेक्स्ट है जो सिंस का यूज होता है ओ क्लॉक, सिंस सेवन ओ क्लॉक, सिंस एट ओ क्लॉक, सिंस जो भी है, और एएम और पीएम, एएम जो होता है 12 बजे के पहले का समय जो होता है उसको एएम बोलते हैं, 12 बजे के बाद जो होता है उसको पीएम बोलते हैं, एंटी मेरिडियम और पास्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। तो इस प्रकार से सिंस सेवन ओ क्लॉक, सिंस सेवन ओ क्लॉक, सिंस सेवन एएम, सिंस सेवन पीएम, इस प्रकार से। अब किसी चीज में लास्ट लगा हुआ है, यस्टरडे या लास्ट नाइट या लास्ट मंथ, इन सब में भी सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। उसके बाद नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली है तो सिंस दिवाली, सिंस दिवाली, सिंस होली, इस प्रकार से, होली, इस प्रकार से। नेम ऑफ इवेंट्स,
कोई भी जैसे सेंस हिज बर्थ सेंस हिज मैरिज तो इन दिस वे हम जो सेंस का यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई भी काम कब से शुरू हुआ है, कोई भी काम कब से शुरू हुआ है तो इसको बताने के लिए हम सेंस का यूज करते हैं। तो इन दिस वे जो है सेंस का यूज इन कंडीशंस में कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखते हैं कि फॉर का यूज कैसे करते हैं। तो जो सेंस यूज ऑफ फॉर, सबसे पहले हम बताते हैं कि फॉर का यूज क्या कहाँ पे करते हैं। तो जो फॉर का यूज होता है ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगा इसको बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 30 मिनट्स फॉर 20 मिनट्स इस प्रकार से, चाहे वो मिनट्स कर लीजिए चाहे आप आवर कर लीजिए, फॉर थ्री आवर्स फॉर थ्री डेज फॉर सिक्स आवर्स इस प्रकार से डेज होगा, फॉर थ्री डेज फॉर थ्री मंथ्स फॉर फोर वीक्स। ठीक है, तो मेन जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर मैनी इयर्स, इयर्स के पहले भी लगाना है, कई वर्षों से, यदि वर्ष का नाम नहीं दिया है फॉर मैनी इयर्स हो गया, वीक्स हो गया, मंथ हो गया, फॉर मैनी आवर्स हो गया, फॉर लॉन्ग टाइम, मान लीजिए मैनी भी नहीं लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग टाइम्स लंबे समय से, फॉर लॉन्ग टाइम्स। तो इस प्रकार से सिंस और फॉर का जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है, और फॉर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी किसी कार्य को करने में कितना समय लगा इसको बताने के लिए होता है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं कि कहाँ और कहाँ पर फॉर का यूज होता है, ताकि जब आगे के टेंसेस में आप पढ़ें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सभी टेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे सेंटेंस बनाने के लिए आए, तो इस दौरान आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग को इस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज समझ में आ रहा हो तो इसे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस प्रकार से जो भी नोटिफिकेशंस हों वो आपके पास आ सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।